नमस्कार दोस्तों, ई मित्र हेल्प वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वह है भामाशाह डिजिटल परिवार योजना के तहत फ्री में मोबाइल फोन मिल रहे हैं। अगर वो आप खरीदने के बारे में सोच रहे तो आपको जरा रुकना होगा और आज का वीडियो मेरा देखना होगा, उसके बाद ही आप मोबाइल फोन खरीदने जाए, वरना हो सकता है कि आपके 1000 रुपये आपको वापिस आपके बैंक खाते में प्राप्त ना हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करो उससे पहले आपको हमारा चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब करना है और पास में दिखाई दे रहे बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, जिससे इसी तरह की योजना की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि मैं सबसे पहले इस तरह की जानकारी आपके लिए लेके आता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं भामाशाह डिजिटल परिवार योजना की। ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत फ्री में मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। ये मोबाइल फोन एनएफएसए कैटेगरी के परिवारों को दिए जा रहे हैं, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा में परिवार शामिल हैं इनको ये दिए जा रहे हैं। इसको जानने के लिए जरूरी, अगर आप एनएफएसए कैटेगरी है यानी कि आपको गेहूं प्राप्त हो रहे हैं तो आप इस योजना में शामिल हैं, लेकिन क्या आप इसकी लिस्ट में शामिल हैं या नहीं, इसके लिए आपको एक दूसरा भी तरीका वहां जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि आप भामाशाह डिजिटल परिवार योजना के अंदर शामिल हैं या नहीं। उसके लिए आपको एक लिस्ट है, उसके अंदर जाके आपको नाम चेक, जो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि भामाशाह डिजिटल परिवार योजना क्या है तो इस वीडियो के अंत में मैं 2 वीडियो दे दूंगा, उन दोनों वीडियो को आप देख ले और डिस्क्रिप्शन में भी 2 वीडियो दे दूंगा, उनको देख के आप जान सकते हैं कि भामाशाह डिजिटल परिवार योजना आखिर क्या है। तो बात करते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाना होगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं किस प्रकार से ये लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम उस लिस्ट में देखें। तो दोस्तों अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट में आपका नाम देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि भामाशाह डिजिटल परिवार योजना के तहत आप मोबाइल खरीद सकते हैं या फिर नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर पर जाना है और गूगल ब्राउजर पर जाकर टाइप करना है FOODRAJ फूड राज और एंटर करना है। उसके अंदर फर्स्ट रिजल्ट होगा फूड डिपार्टमेंट राजस्थान, इसके अंदर foodrajnic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, इसको ड्रैग करते हुए आपको नीचे आना है। सब नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे आपको डिटेल दिखाई देगी, सबसे नीचे और नीचे आना है, यहाँ पे खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए रिपोर्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनएफएसए बेनिफिट शीडिंग रिपोर्ट बीपीएल एसटीडीपी अंत्योदय फैमिली इन एनएफएसए रिपोर्ट ऑफ एनएफएसए एंड नॉन एनएफएसए बेनिफिशरी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है थर्ड वाले ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं पाली डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपका जो भी पंचायत समिति से संबंधित है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट कर ली, अब मैंने सुमेरपुर सिलेक्ट किया तो ये सुमेरपुर से संबंधित जितनी भी एफपीएस यानी कि जो भी कोटे हैं, जो भी ये जहां पे गेहूं मिलते गेहूं की दुकान है उनकी लिस्ट दिखाई देती है। तो आप कहां से गेहूं उठाते उसका नाम के ऊपर आपको क्लिक करना। मान लो कि आप यहां पे मोहनलाल लादूराम वार्ड नंबर 21-12 यहां से आप गेहूं प्राप्त करते, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक किया तो इसके अंदर दो ऊपर एनएफएसए एंड नॉन एनएफएसए, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन एनएफएसए पे ही क्लिक रखना है और ये है एनएफएसए लिस्ट। तो ये सब परिवार है जो इस भामाशाह डिजिटल परिवार योजना के अंदर शामिल है। ये देखो पूरी लिस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 526 नाम है जो इस योजना में शामिल हैं, मैंने जिसकी डिटेल चेक करके आपको बताई। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी आपके एरिया वाइज डिटेल चेक करके आपको देख सकते हैं कि आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में है या नहीं। अगर आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में है तो ही आप मोबाइल लेंगे तो आपके खाते में 2 किस्तों में 500 रुपए 1000 रुपए आपके खाते में जमा होंगे। अगर आप एनएफएसए कैटेगरी के नहीं है और आप मोबाइल खरीद लेते हैं दुकान पे जाके कैब में जाके, तो आपको 1000 रुपए आपके खाते में नहीं आएंगे, यानी कि जो भी मोबाइल के पैसे लगे वो आपको अपने खुद के जेब से देने होंगे।
अगर आप नहीं चाहते कि आपके जेब से पैसे जाए तो पहले लिस्ट चेक करें, उसके बाद ही आप मोबाइल खरीदने जाए, तभी आपको मोबाइल फ्री में मिल पाएगा। तो ये था दोस्तों वीडियो, भामाशाह डिजिटल परिवार योजना के तहत लिस्ट में अपना नाम किस प्रकार से चेक करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक कीजिए। इसके अतिरिक्त इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारा चैनल इमित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिखाई दे रहे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बाय बाय दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल इमित्र हेल्प वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों।